लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। ताइवान से लगे समुद्र तल पर साइंटिस्ट्स को एक डरावना जीव मिला है। पहले रिसर्च कर रही टीम इसे देखकर सांप समझने की गलती कर बैठी, पर जल्द ही इसकी सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। रिसर्च टीम के मुताबिक ये सांप नहीं बल्कि एक वाइपर शार्क थी। वाइपर शार्क इतनी रेयर होती है कि इसे आखिरी बार 1986 में पकड़ा गया था। इस डरावनी शार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी साइंस मूवी के जीव की तरह अपने जबड़े के बाहर भी दांत निकाल सकती है। ताइवान इस फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक ऑफिशियल के मुताबिक इस शार्क के दांत सुई से भी ज्यादा पहने होते हैं। दांतों को बाहर निकाल कर हमला करने की इस खासियत से ये अपने शरीर से कई गुना ज्यादा बड़ी मछली का भी शिकार कर लेती है। 1986 में पहली बार जापान के शिकोकु आइलैंड पर ये शार्क पकड़ी गई थी। तब से इसका साइंटिफिक नाम ट्रिगोनोग्नाथस कैबेयाई रखा गया। हालांकि इसके डरावने लुक की वजह से इसे एलियन फिश और फिश फ्रॉम हेल भी कहा जाता है। ये शार्क पानी में 1 से 1.5 हजार फीट की गहराई में रहती है। हालांकि इसके बारे में साइंटिस्ट्स के पास अब भी कुछ ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है।